सरकार द्वारा नारी सम्मान व नारी सशक्तिकरण के तहत चालू की गई महिला हेल्प डेस्क हेतु थाना गोहन में निर्मित कक्ष का लोकार्पण सीओ वीरेंद्र श्रीवास्तव ने किया। सीओ श्रीवास्तव जी ने अपने उद्बोधन में कहा कि महिला हेल्प डेस्क की स्थापना का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को अपनी समस्या कहने व शिकायत करने में सहूलियत प्रदान करना है। इस डेस्क पर महिला आरक्षी ड्यूटी पर मौजूद रहेंगी, जिससे महिलाएं अपनी समस्याएं आसानी से कह सकेंगी। महिला डेस्क का उद्देश्य नारी को उसका पूरा सम्मान दिलाना व जागरूक कर स्वावलंबी बनाना है। लोकार्पण के अवसर पर नए कक्ष को रंगोली झालरों से सजाया गया है। सीओ वीरेंद्र कुमार श्रीवास्तव ने फीता काटकर नए कक्ष का उद्घाटन किया। महिला सिपाही पायल को डेस्क प्रभारी बनाया गया। महिला सिपाही स्मिता, आरती, बेबी, कुंती आदि ने सक्रिय भूमिका अदा की। मिशन शक्ति के तहत माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने अक्टूबर माह में 23 तारीख को मिशन शक्ति के हेल्प डेस्क का उद्घाटन किया था, जो उसी समय सभी थानों में संचालित शुरू हो गया था। लेकिन कोई निश्चित स्थान बैठने के लिए महिला हेल्प डेस्क की कर्मी को नहीं था, और खुले में बैठने से महिलाएं जो आती थी अपनी समस्या लेके, वो निसंकोच अपनी समस्या नहीं प्रकट कर सकती। इसीलिए सरकार से प्राप्त धन और जनता के सहयोग से इस भवन का कक्ष का निर्माण किया गया, और इसमें अब पारदर्शी शीशे वगैरह लगाए गए हैं ताकि बाहर से किसी को कोई आवाज़ सुनाई न दे, महिला निसंकोच होकर अपनी समस्या को महिला कर्मी से बता सके। थानाध्यक्ष गोहन राजीव कुमार बेस ने सभी का आभार व्यक्त किया। इस मौके पर क्षेत्र के संभ्रांत जन पत्रकार बंधु सहित ईटो चौकी इंचार्ज अतुल राजपूत, एसआई कृष्ण नारायण, एसआई जयवीर सिंह, एसआई रामवीर सिंह, एसआई वंशराज यादव सहित थाना चौकी स्टाफ मौजूद रहा। एनबीसी न्यूज के लिए जनपद जालौन से आशुतोष उपाध्याय की रिपोर्ट।